हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ के बारे में, जिसके अलॉटमेंट को लेकर बहुत से डाउट्स चल रहे हैं। तो हमें जो मैसेज बैंक की तरफ से रिसीव हुआ है उसके बारे में भी करेंगे बात। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें अलॉटमेंट स्टेटस की, तो अभी तक किसी भी वेबसाइट, चाहे बीएसई हो या आईपीओ की रजिस्ट्रार वेबसाइट के फिनटेक, कहीं पर भी अपडेट नहीं हुआ है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं। लेकिन पैसे डेबिट या क्रेडिट होने को लेकर मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी सुबह 6 बजे से। हमने पर्सनली इस आईपीओ में 5 लॉट्स के लिए 5 डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया था और हमें अभी तक 2 मैसेज रिसीव हुए हैं, जो कि आप दे सकते हैं। पहला मैसेज जो है वो 6:55 AM के अराउंड ये आता देखने को मिला कि योर अकाउंट हैज़ बीन अनब्लॉक्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 14,896 अगेंस्ट द यूपीआई मैंडेट, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आईपीओ जो है नहीं अलॉट हुआ है। तो आपको भी अगर ये मैसेज रिसीव होता है तो इसका मतलब सेम है कि अलॉटमेंट जो है वो नहीं हुआ। लेकिन दूसरा मैसेज जो हमें 7:05 AM पर रिसीव हुआ है, उसमें लिखा है कि योर मैंडेट ऑफ 14,986 रुपीज़ हैज़ बीन रेज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, और उसके बाद पैसे जो हैं वो अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं और हमें अभी तक 1 लॉट अलॉट हो चुका है। तो आप भी सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कोई मैसेज अभी तक रिसीव हुआ है या नहीं, और स्टिल अभी तक बाकी 3 लॉट्स के लिए जो हमने अप्लाई किया है उसको लेकर कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो कई बार मैसेज आने में टाइम लग सकता है। शाम तक रिफंड्स या पैसे डेबिट होने का वेट करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।